आद निरंजन है गुरु नानक, तार के मूरत है जग आयो। लोक सुनियो पर लोक सुनियो, विद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार्यो तारन को, गुरु नानक साहेब पंथ चलायो। वाहे गुरु श्री गुरु नानक साहेब, धार के मूरत है जग आयो। आद करो गुरुदेव को बंदन, वाहे गुरु मुख माहे उचारी। दोए कर जोर करो चरणा पर, जाऊं सदा गुर को बलिहारी। कान सुने उपमा गुर की, गुर मूरत ध्यान हृदय में धारी। वाहे गुरु श्री गुरु नानक साहेब, सेवक शरण गही दरबारी। डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला सम्राथ। डोलन ते राख हो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बनास। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास। मूक उचरै शास्त्र खाट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुने, जो काल कृपा कराए। गुरु नानक परशोत्तम परम परावर नाथ, जुगल चरण मम बंदना, तर कर तर परमाथ। गुरु नानक सुख सिंध को, हाथ जोर प्रणाम। जिस करना ते बढ़गी, पाव है गत विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत वत्सल करना निदान, दीना बंधु पतत पावन। जगत गुरु निरंजनी ज्योत, धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार बख्शिश कृपालता का सदका, प्रबंधकों के सुचजे ढंग द्वारा जो सारे समागम चल रहे हैं, गुरपुरबों का मनाना, कथा कीर्तन, दीवान लंगर की मर्यादा, अमृत संचार, धर्म प्रचार, सारिया ही पक्षों मुख रखदिया होया गुरु की रहत मर्यादा, बाणी बाणा, नाम बाणी, सिमरन, सेवा, सत्संग, परपकार, जिन्ने भी शुभ गुण हैं, इन्हां दे वाधे वास्ते प्रबंधक दिन रात यतनशील रहिंदे हन। सो हेड ग्रंथी साहब वो भी बड़े श्रद्धावान गुरमुख प्यारे हैं, बड़े प्यार सत्कार दे नाल सेवा निभा रहे। बाकी ज्ञानी जी उन्होंने भी बड़े प्यार दे नाल, भाई साहब भाई बाला साहब जी ने जो इतिहास धन धन साहब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज की आग्ञा दे नाल संगतां दे भले नूं शरवण कराया, आप गुरु महाराज स्रोते बने, बाबा बुढ़ा साहब आदिक शख्सियतां सारियां ही बड़े प्यार दे नाल भाई बाला साहब जी तो इतिहास सरवण करके लाहा प्राप्त करते रहे हैं। ये गुरु महाराज धन धन साहब श्री गुरु अंगद साहब जी महाराज जी का परपकार है कि जिहड़ी सानूं ये पवित्र दात मिली है। नानक प्रकाश ये भाई बाला साहब जी की जन्म साखी उन्होंने काव्य रचना दे विच ते पिंगल दे सारे तत् मुख रखदियां नौ जड़े काव्य रचना दे रस है। कौर जी दे विच करणा रस है, वीर रस है, शिंगार रस है, विभत्व रस है, रोदर रस है, हास रस है, और इस तरह ये सारे रस जड़े है ये वर्णन किए क्योंकि आप बड़े तरंदर विद्वान हैं। भाई साहब
भाई संतोख सिंह साहब जी बड़े श्रद्धावान हैं, उन्हां दी रचना पढ़ के बड़ा अलौकिक आनंद प्राप्त हुंदा है। सो गुरु महाराज जी उन्हां ते महान बख्शिश होई है जिहड़ी महाराज ने उन्हां तों सेवा लई है। उस तों अगे जो श्री गुरु अंगद साहब जी महाराज तों लै के दसम पातशाह जी बंदे बहादुर तक इतिहास है, ये फिर भाई साहब भाई राम कंवर साहब बाबा गुरबख्श सिंह जी जो बाबा बुढ़ा साहब जी अंश वंश ब्रह्म ज्ञानी महापुरख हुए हैं, जिन्होंने आप दसम पातशाह जी नूं गुरतागदी का तिलक बख्शिश किया। उन्हां महापुरखां नूं संगतां ने बेनती की परंपरागत बाबा बुढ़ा साहब जी तो बाबा भाना जी बाबा झंडा जी बाबा गुरदित्ता जी आदिक जिन्हें भी महापुरख हुए है, ये सारा इतिहास आप जी नूं मिलदा रहा। तो आप उस अंश वंश विचों तुहानूं अनुभव भी है, दिव नेत्र है कि पहले पातशाह जी का इतिहास तो भाई बाला साहब बख्शिश कर गए, तो पुराने बजुर्ग जिले गुजर जाएंगे फिर संगतां किवें लाभ प्राप्त करनगियां। आप अनुभवी महापुरख हो, कृपा करके सानू ये सारा इतिहास सरवण कराओ। संगतां दी प्यार भरी बेनती नूं प्रवान करके बाबा गुरबख्श सिंह जी भाई राम कंवर साहब बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश वंश ब्रह्म ज्ञानी महापुरखां ने ये फिर इतिहास सरवण कराना शुरू किया। तो साहब सिंह जी नाम के लिखारी ने वो वार्तक विच सारा इतिहास लिखिया। उस इतिहास नूं भाई साहब भाई संतोख सिंह साहब जी ने छंदाबंदी विच कीता। एक बारी अड़चल भी आई सी खास करके दसम पातशाह दे इतिहास बारे, भाई साहब कि जा रहे सी बड़े उदास होए कि किवें होए, इतने नूं एक गुरमुख प्यारे त्यार पर त्यार सिंह आए, आ लो जी मेरा बैग पकड़ लो झोला पकड़ लो ते मैं आउंदा हाँ, किरिया करिया मैं मुड़ के आए नहीं। जिले देखिया तो उहदे जो खरड़ा सी वह दसम पातशाह दे इतिहास दा सी। फिर उन्हां नूं बड़ी खुशी होई कि महाराज मेरी मदद आप कर रहे हैं। गज के बोलो सतनाम। इन्होंने पहला अध्यात्म प्राण का संस्कृत चों गुरमुख अनुवाद किया, बाल्मीकि रामायण का भी अनुवाद किया। अपने जो उन्होंने उस्ताद ज्ञानी संत सिंह जी सिंह साहब दरबार साहब की सेवा निभाते सी, जिन्हों तो उन्होंने विद्या प्राप्त की अथवा होर भी महापुरखों तो विद्या ली, ये ग्रंथ नज़र गोचर करने वास्ते लियाए। बहुत प्रसन्न होए, कहिंदे असली प्रसन्नता तां मिलेगी जे तुसीं दसां गुरुआं दा इतिहास लिखो। वो कुदरती महाराजा पटियाला ने कोई समागम मनाया, उत्थे कैंथल दे राजे महाराजा उदय सिंह जो भाई भगतू जी दी अंश वंश विचों सी वो भी आए, उन्हां नूं भाई साहब का खिताब सी। आम राजे उन्हां तों अमृत छकना पंजां प्यारां द्वारा पसंद करदे सी। उन्होंने महाराजा पटियाला दे सभा विच विद्वान भी महापुरख भी सगे बेनती की, मेरी इच्छा है कि दसां गुरुआं का इतिहास लिखाया जाए, जिस तरह सनातनी मत विच तुलसीदास दी रामायण नूं बड़ी श्रद्धा दे नाल लोग पढ़ते कथा वगैरह हुंदी है, इस तरह दसां पातशाहां का इतिहास भी जड़ा वो लिखत विच आना चाहिए। कुदरती उत्थे ज्ञानी संत सिंह जी भी बेनती दे पहुँचे हुए सी, भाई साहब भाई संतोख सिंह साहब भी सगे,
ਇਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂੜੀ ਆਦਿ ਕੁਝ ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਗੀਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਖਰਚ ਲਈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਜਿਲਦਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਨੈੱਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਤਾਂ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਪਦਿਕ ਦੀ ਵਿਆਧੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਸਤੀ ਸਿੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਉੱਧਰ ਲਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ। ਇੰਨੀ ਕਵਿਤਾ ਫੁਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਰੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ। ਅਕਸਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਖੇਪਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਾਈ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਬੜੇ ਅਨੰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ 1905 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੇਤੀ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਮੋਲਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 3 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ 3 ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਸਵਾਦਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਇੱਧਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਵਾਸਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੀਫੇ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਦਸਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਗੋਰਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸੀਗੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੜਾਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਦੜਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।
इन्हों का अहंकार ता ही है कि जो करे आपे इन्ह के दंद खटे होंगे। सो गुरु महाराज ने फिर कृपा करके इन्ह के अंदर जी होमे आई संविरत की, इन्हते भी बख्शिशा कीतियां। ये ना समझ लो खाली रहे है, गुरु नानक जी ने सुनिया वेख्या से फिर गर्वास ना भरिया। बड़े विद्वान से, बड़े योग दे माहर सी। ये नहीं भी जे उन्होंने एक कमी आ गई है तो बाकी उन्होंने गुण कोई ना। पर गुरु महाराज ने देखा भी ये जी कमी आ इन्हों की संपूर्णता रुकावट बन रही है। गुरु साहब च यही वाधा, चाहे कोई किड़ा दुराचारी कुकर्मी सी, अज तो कहने पखंडी है कुकर्मी है, बस इत्थे गल निबड़ जाती है। पर गुरु साहब उहदे औगुण दूर करके उन्हूं पवित्र करके देश कौम समाज का सेवादार बना देंदे सी। गज के बोलो हाँ, कि उन्हूं पखंडी कह देना, पखंड तो दूर ना होया की फायदा होया कहण दा। कौडा राक्ष लै लो, भूमिया चोर लै लो, सज्जन ठग लै लो, उन्होंने मंजिया दित्तियां गुरमत के प्रचार दियां, उन्होंने जीवन सुधार दते। यही तो गुरु साहब की बरकत है। सो इस वास्ते आ लो, पहला तुसी रसना पवित्र कर लो, असमी कर लईए। सारे गज बज के बोलियो, रस चिम चिम बरसे जी गुरु जी तेरे नैणा तों, रस चिम चिम बरसे जी गुरु जी तेरे नैणा तों, रस चिम चिम बरसे जी गुरु जी तेरे नैणा तों, रस चिम चिम बरसे जी गुरु जी तेरे नैणा तों, 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 रस चिम चिम बरसे जी गुरु जी तेरे नैणा तों, रस चिम चिम बरसे जी गुरु जी तेरे नैणा तों, रस चिम चिम बरसे जी गुरु जी तेरे नैणा तों, रस चिम चिम बरसे जी गुरु जी तेरे नैणा तों, चिम चिम अमृत बरसदा, चिम चिम अमृत बरसदा, चिम चिम अमृत बरसदा, चिम चिम अमृत बरसदा, बुलाया बोली खासम दा, बुलाया रस चिम चिम